पीटीआई का सिर्फ एक वक्त एक एजेंडा है कि किस तरह लाशों पे सियासत की जाए। आपने देखा आज वजीर आला पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आईजी पंजाब जो कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर है, उन्होंने जो आज बातें बताई, जो उन्होंने लिंकेज की और जो पंजाब पुलिस ने पूरे केस को डिटेक्ट किया है, मैं समझता हूं कि इमरान खान और पीटीआई बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये लाशों की सियासत कर रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब ने भी कहा था कि ये लाशें तलाश कर रहा है इमरान खान, अगर तलाश नहीं होगी तो वो अपनी भी पैदा करते हुए अपने किसी वर्कर को मरवाते हुए भी ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है वो है कि जी मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, जो चैलेंजेस हैं मुल्क को उसका सामना किया जाए। लेकिन पीटीआई और इमरान खान उनका मकसद है कि मुल्क में अनार्की फैलाई जाए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, मुल्क के इदारों के खिलाफ हर गिरी हुई हद तक जाया जाए। और मैं एक और बात बता दूं, ये कल परसों सुन रहा था फिर किसी ने कहा कि इमरान खान को खतरा है, मुझे एक सुनने में बात आई है कि इमरान खान को अब किससे खतरा है, किससे? और जो सुनने में आया कि इमरान खान को अब शाह महमूद कुरैशी से खतरा है। वो कैसे? बस वो वो, वो वो भी आ जाएगा आप लोगों के शाह महमूद कुरैशी के अगर फोन वगैरह ट्रेस किए जाए तो ताने बाने कहीं से मिल जाएंगे कि शायद इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से होशियारी पकड़नी चाहिए।